लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? इसलिए कि खान का जो मकसद है वो मुल्क में एनार्की कराना है। दवाई खाता है वो अपनी और फिर कुछ का कुछ बोलना शुरू हो जाता है। उसने क्या किया कि अपने एक भौंकने वाले को लंदन में कहा कि तू भौंकना शुरू कर दे। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इमरान खान की तारीफें शुरू कर देंगे। बताए ना मिफ्ता इस्माइल, इस बात का जवाब देना मेरे सामने आके, जरा बताए ना कि बुशरा बीबी के जहन में बेवफाई क्या थी, क्यों वो जुल्फी बुखारी कह रही थी कि तुम बेवफा हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूं माकिश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला हुआ और आज तक नहीं पता चल सका कि हमला आखिर करवाया किसने। पहले राना सनाउल्ला साहब का नाम आ रहा था, दीगर लोगों के नाम आ रहे थे। कल खान साहब ने नाम लिया जनरल बाजवा साहब का कि उन्होंने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की ताकि बाद में वो एमरजेंसी लगवा सकें। और आज उन्होंने कहा कि चार आदमी थे और मुझे उनके नाम भी पता हैं और ये सब चीज़ें मुझे एजेंसीज बता रही हैं। बशीर साहब, खान साहब ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं और वाकई में अगर उन पर किसी ने हमला करवाया है तो वो उनके नाम फिर लेते क्यों नहीं और उनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दर्ज करवाते? ये तो आप मुझे बताएंगे, आप खान साहब की सपोर्टर हैं? सर मैं सपोर्टर नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, आपको पता है। मैं किसी के साथ न्यूट्रल आप नहीं है बिल्कुल, खुदा के लिए मैं खान साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप उनकी सपोर्टर हैं और मैं जब था तो मैं खुलकर मानता था यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है? आज आप मान लें पहले, फिर आगे चलेंगे। सर देखें, जो उनकी चीजें गलत हैं मैं उनको गलत कहती हूँ, जो उनकी चीजें ठीक, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उनके अगेंस्ट, ऑब्वियसली हर इंसान में कुछ खराबियां भी होती हैं, जो चीजें गलत हैं वो गलत है। चलें, शुक्र आपने ये तो मान लिया कि उनमें कुछ खराबियां हैं, इतना तो आपने मान लिया। होती हैं, कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है। अभी अभी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो ये सारी बात कर रहे हैं कि हवा में पहले राना सनाउल्ला का नाम लगा दिया, फिर शहबाज शरीफ का लगा दिया, फिर जनरल फैसल नसीर का लगा दिया, फिर जनरल बाजवा का लगा दिया, आप कह रहे हैं चार लोग हैं और मुझे एजेंसियां बता रही हैं, तो भाई फिर बताओ, फिर जाके उसे पर्चा कराओ या कोर्ट में जाओ, एविडेंस लेके जाओ। लोगों का दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? इसलिए कि खान का जो मकसद है वो मुल्क में एनार्की कराना है, सिविल वॉर कराना है, मुल्क में लड़ाई झगड़ा कराना है और किसी ना किसी तरह हकूमत में आना है। वो अब इस मेंटली इस मकाम पे पहुंच गया है कि अगर बनी गाला को सिर्फ आप कह दें ये पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म वो है इमरान, तो इमरान उसके लिए तैयार है मेंटली, यानी वो किसी सूरत जो है ना उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ और वो आएँ बाएँ शाएँ ये वो दवाई खाता है वो अपनी और फिर कुछ का कुछ बोलना शुरू हो जाता है। फिर आप देखें उसकी बड़ी एक कैंपेन किस तरह की ऑर्गेनाइज्ड है कि जब बुशरा बेगम की और जुल्फी बुखारी की दो ऑडियो लीक्स हुई और सबको पता चल गया कि वो बेवफाई कौन कर रहा था और किससे बेवफाई कर रहा था वो भी पता चल गया, तो खान ने ये नहीं कहा कि वो ऑडियोज़ गलत हैं या वो कोई एडिटेड हैं ये वो, उसने क्या किया कि अपने एक भौंकने वाले को लंदन में कहा कि तू भौंकना शुरू कर दे, और उस बंदे ने भौंकते भौंकते एक वीलॉग भी कर दिया, ट्वीट्स भी कर दी, एक्ट्रेसेस के नाम लिख दिए, कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। सडनली क्या हुआ, उन चार एक्ट्रेसों की वजह से, उन बेचारियों के नाम आने से, बेगुनाह है वो सारी उस मामले में मैं समझता हूँ, और आपने वो बुशरा बेगम और उसकी बेवफाई की जो कहानी थी उसके ऊपर मट्टी डाल दी। तो खान जब हर रोज़ एक नई स्टोरी देता है ना आपको, तो वो देता है कि जनाब उसने पिछली स्टोरी को ख़त्म किस तरह से करना। आप आज की देख लें, क्या अनाउंस किया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, कौन सी प्रेस थी और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? वीडियो लिंक से कौम से खिताब कर रहा था, ठीक है ना, पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा के, तरीके इंसाफ का झंडा लगा के, जैसे अभी भी वो वज़ीर आज़म है जो कि नहीं है, झूठ बोल रहा था, अचकन पहनी हुई थी, वही अपना वो देने के लिए, इंप्रेशन देने के लिए कि मैं हकीकी वज़ीर आज़म हूँ और ये यार वो है, और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? इसका मतलब है हर बात में उसकी झूठ है, हर बात में उसके मुकालता है और हर बात में उसकी जो है ना खुद नुमाई है। एक नार्सिसिस्ट आदमी है जो अपनी खुद नुमाई में खुद फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है अपने आप से, इश्क में, अपनी मोहब्बत में। सर आज खान साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा कि अगर गलती का एहसास हो गया था तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि वो इलेक्शंस करवाते। तो सर इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो फिर खान साहब दूसरे इदारों से क्यों कह रहे हैं? बात यह है ना कि अगेन ये खान से पूछे ना, क्या जब वो इदारों को उनके एम्बिट में ही नहीं रहने देता। आप देखे ना, आपको भी, हालांकि आप उसकी सपोर्टर हैं, आपको भी नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और आपको भी नहीं सवाल करने दिया, ठीक है ना, कम से कम वीडियो लिंक दूर बैठी हुई हूं, आपको वीडियो लिंक से ले लेता, खुद भी तो वीडियो लिंक पे ही है ना, ऐसी कोई बात नहीं।
देखें ना, बात यह है कि आप जो है, आप एक बात समझने की कोशिश करें कि इमरान खान के पास स्वाय झूठ बोलने के, स्वाय नई कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के, स्वाय इदारों को आपस में लड़ाने के लिए, स्वाय मुल्क में अफरा तफरी क्रिएट करने के लिए, स्वाय एनार्की की सिचुएशन क्रिएट करने के, उस पर है ही कुछ नहीं। अब इदारे को इदारे से लड़ाना चाह रहा है, डज इट मेक सेंस? नो। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि हम जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो वक्त पर इलेक्शन ना होने की मुखालफत करते रहेंगे तो ये गलत है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के जहन में ये बात है कि वो इलेक्शन होने से रोक सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि इमरान खान बोलना बंद कर दे, जब इलेक्शन होने हैं अपने वक्त पे होने हैं, ना उससे पहले होने हैं ना उसके बाद होने हैं। तो बिलावल भुट्टो इससे ज़्यादा दो टोक तो कह नहीं सकते। अब कि जनाब ये आदमी अपनी मर्जी चाहता है, इसकी मर्जी से तो नहीं होने इलेक्शन। वो चाहे जल्दी कराना चाह रहा है चाहे देर से कराना चाह रहा है, आइदर वे उसकी मर्जी से नहीं होने। सो इसका मतलब बड़ा क्लियर है और इसका मतलब यह है कि यानी दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दैट इज़ द PDM गवर्नमेंट एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग और वो उनका एक प्लान अब बन गया है एंड दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू दैट। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने तो तमाम हदें क्रॉस कर दिए हैं इसहाक डार साहब के खिलाफ और ये बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया। मेरी चुड़ैल ने बड़ी खबर दी है उनके ऊपर मुझे। तो क्या अब चुड़ैल की मुखबरिया मैं क्या कहूँ साहब, मैं बता दूँ आपको, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन मेरी चुड़ैल ने मुझे ये कहा कि मेरे से शर्त लगाओ कि मैं सही हूँ कि नहीं। वो कहती है थोड़े दिन में आप देखेंगे कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इमरान खान की तारीफें शुरू कर देंगे, उसके बाद बकायदा इमरान खान को ज्वाइन कर लेंगे और इमरान खान की तरफ से उनको सेनेट का टिकट दिया जाएगा और वहाँ से वो PTI को आएंगे रिप्रेजेंट करने फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनके। यानी ये लंबा चौड़ा प्लान हो रहा है, ये खाली काम जो है ना, ये आपस की जाती अनाद और दुश्मनी सिर्फ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात तो सही की है ना, हम कह रहे हैं कि सरदार साहब चाहते ही नहीं है कि कोई और वजीर बने, तो ये देखा जाए तो ये सच ही है। वो इतना टाइम इमरान खान भी नहीं चाहता कि कोई और वजीर आजम हो, तो ये बात भी सच है, ठीक है ना। मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरी जगह कोई और एंकर हो, ये भी सच है यार। अपना क्या भविष्य, ये तो नहीं। देखे ना, आप मेरी बेटी है इसलिए आप ऐसी बात कर रही है, तो बेटियों का जो होता है ना वो तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है ना अपने बड़ों के साथ। लेकिन मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है बात। आप अपनी पार्टी में करते हैं ये बात, जब वो बाहर कर रहे हैं ना इसका मतलब है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने क्रॉसओवर करना है और अब मिफ्ता इस्माइल खान को मेरी इतला के मुताबिक सेनेट का टिकट ऑफर होगा अगले इलेक्शन में। वो ये कहते हैं उनको ये बात बुरी लगी है, उनको ये नहीं बुरा लगा कि उनसे वजारत ली, उनको ये बुरा लगा कि जिस तरीके से उनको निकाला गया वो बड़ा आधा सच है और आधा झूठ है ना, आधा पूरा सच नहीं है ना इसमें मावेश, पूरा सच बताए ना। अच्छा किसको और देते, चले मुझे ये बताएं। अब आपको एक और अच्छी खबर दे दूं मैं, डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज़। आप और रिस्पेक्टफुल क्या होता है यार, आप आए क्यों थे, आपकी वैल्यू क्या थी, आप तो इलेक्टेड भी नहीं थे, आप तो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे और आपको उन्होंने प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, दो दफा बनाया तो आपको दूसरों के साथ बेइज्जती करके आपको नहीं बनाया था। और आपने क्या किया था, मिफ्ता इस्माइल को सवाल करे कि आपने इम्पोर्ट ड्यूटियां सारों की बढ़ा दी, सिर्फ जो प्रोडक्ट्स आपकी कैंडीलैंड जो आपकी टॉफियों के अंदर पड़ता था उसकी आपने इम्पोर्ट ड्यूटियां घटा दी। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल का जमीर नहीं जागा था, उस वक्त वो क्या अपना, उस वक्त नहीं उनको ये सारी बातें समझ आ रही थी इज्जत बेसी की, उस वक्त उन्होंने दूसरे कारोबारों लोगों का नुकसान नहीं किया और अपना फायदा करने के लिए नहीं उन्होंने अपनी ड्यूटी काम की। बताए ना मिफ्ता इस्माइल, इस बात का जवाब देना मेरे सामने आके। देखें ये खाम खामे हमें पागल बना रहे हैं मावेश, ये अगर इस मुल्क के साथ सिंसियर होता ना तो बड़ी अच्छी बात होती मिफ्ता इस्माइल, ये इस मुल्क के साथ नहीं सिंसियर मुझे नहीं लगता, वरना इस तरह की बातें ना करता। और मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, चले मेरे पास आज एक अच्छी खबर है मावेश, अगर आप सुनना चाहती हैं तो। सर, मैं अच्छी खबरें सुनने को तरफ, मुझे ये जो चुड़ैल की मुखबरी, आप चुड़ैल आपको पता है आज बड़े दिन के बाद एक्टिव हुई है, कौन चुड़ैल, ये तो एक चुड़ैल चुड़ैल होती है। मैं ऑफिस आई भी थी, आपने मिलवाया, अब आप बाई थी तो आप शीशे में देख लेती फिर आपको पता चल जाता। नहीं देखें, नहीं बात यह है कि वो कहते कल तक हमें सऊदी अरेबिया से $4 बिलियन की यकीन दहानी हो जाएगी इंशाल्लाह, और अगले एक हफ्ते में UAE से $2.5 बिलियन हो रहा है,
और आप फौरी तौर पे देखेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं चाइना, अभी अनशेड्यूल्ड है, उस वक्त शेड्यूल हो जाएगा, और चाइना भी हमें जो है वो पैसे दे रहा है। तो इस महीने के एंड में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंशाल्लाह कदरे संभल जाएगी, महंगाई पे ज़रा कंट्रोल हो जाएगा, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्प्रूव हो जाएंगी, हमारी जो फॉरेन करेंसी डिस्पैरिटी है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और ये जो अफरा तफरी का माहौल और बेसरासीमगी का माहौल है ना, ये इंशाल्लाह कर्टेल होगा, काफ़ी बेहतर होगा। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। आमीन। सर खान साहब ने एक और बात की, वो कहते हैं कि मरियम नवाज बहुत दीनदार बनती हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सर एक तरफ वो खुद खातून के बारे में बात करते हैं, फिर लेकिन जब बुशरा बीबी के बारे में कोई बात करे तो उनको खातून की हुर्मत याद आ जाती है, तो ये खुला तजाद है? ऑफ कोर्स खुला तजाद है, और अभी बुशरा बीबी पे खुद पे बात करेगा, फिक्र ना करें, थोड़े दिन ठहर जाए, जरा कुछ होने दें, ये जो करेगा या करवाएगा ना बातें वो भी काफ़ी है। इसने रेहम खान पे खुद तो नहीं की, लेकिन इसने किसी और को रोका भी नहीं उसके ऊपर बात करने से, चाहे वो जो मर्जी हो, इसके दाएं वाला हो बाएं वाला। नहीं, बात यह है कि देखें, आपकी तो इज्जत रही ना, आपकी तो इज्जत रही ना, अगर फर्ज करें मैं करता हूँ और मैं अगर आपकी जो इज्जत रही है उस हवाले से उसके ऊपर बात करता हूँ, तो आपको तो असूलन मुझे भी रोकना चाहिए ना कि यार मुबशर तुम ना करो, मेरी बीवी थी, तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। आई मीन ऐसे देखें, ये औरतों की हुरमत होती है ना, औरतों की हुरमत खुद साख्ता थोड़ी है कि जिस बात पे मैंने चाहा हुरमत बना दी, जिस जहाँ पे मैं बेहरमती, ज़रा बताए ना कि बुशरा बीबी के जहन में बेवफाई क्या थी और क्यों वो जुल्फी बुखारी कह रही थी कि तुम बेवफा हो, किसके साथ उसने वफा निभाई या वफा नहीं निभाई, और बुशरा बीबी को उस पर दुख था कि मैंने तो कोशिश भी बड़ी की थी, तो ये वो, तो फिर पता चल जाएगा फिर क्यों अपना वो, अगर घरेलू खातून है और 36-36 घंटे का रोज़ा रखती, मुझे नहीं पता कौन से 36 घंटे का रोज़ा होता है, मुझे नहीं पता उसका, अब वो ख़ास अगर कोई टोना है या चिल्ला है या कोई इबादत है तो हो सकता है वो बुज़ुर्गों की इबादत हो जिसका हमें इलम ना हो, मेरी तरफ से 72 घंटे वो रखे हैं, लेकिन जो उन्होंने तोशा खाना के साथ किया कि तस्वीरें क्यों उतारी, इसका ये क्या किया और वो कहाँ किया, वो सारा उससे मुझे पता चल गया वो कितनी पारसा है, माजरत के साथ। सर खान साहब के जो दस्ते रास्त मुराद सईद साहब हैं वो भी आजकल कहीं गायब हैं, कुछ पता है वो कहाँ रूपोश हैं, और अगर हैं तो कहाँ? मुराद सईद बेचारा बहुत परेशान लगता है मुझे आजकल, मुराद सईद ने तो एक केस भी करना था, रेहम खान के ऊपर केस करना था, और कि जी उसने अपनी किताब में क्या लिखा, पहले 3 साल उसको पता नहीं चला, फिर जब उसको समझ आई उसने मोहसिन बेग के ऊपर जुल्म करवाया, ज्यादती करवाई, उसके बाद उसको समझ आई, उसके बावजूद उसने वो केस को फॉलो अप नहीं किया, यूके में करना था वहाँ पे भी नहीं किया, और वो खान साहब ने भी जो जंग और जियो को नोटिस दिया था उसका भी फॉलो अप नहीं हुआ, ना शाहजेब खानजादा को, ना जियो को, ना यूके में, ना दुबई में, ना पाकिस्तान में। इनकी बातें आप सुन लिया करें, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और हमारे लोग बस गोल्ड फिश मेमरी का शिकार हैं, उस दिन बा 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 हल्ला हुल्ला हम करते रहते हैं और 3 दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सर परवेज इलाही साहब ने भी आज एक बड़ा सख्त सा बयान दिया है तहरीक इंसाफ के बारे में, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, 25 तारीख को अपना हाल याद रखें, वो कहते हैं उस दिन उनकी जुबानें निकली हुई थी। सर ये बड़ा सख्त सा जुमला है। बिल्कुल जुबानें निकली थी, लेकिन परवेज इलाही को भी आज मेरा चैलेंज है, आज फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की है अपने वीडियो लिंक में, आज फिर उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक का जिक्र किया और गद्दार तक का है। परवेज इलाही ने वॉर्न किया था कि अब अगर बोला तो मैं दिफा करूंगा, तो जरा आज परवेज इलाही जनरल बाजवा को दिफा करने खड़ा हो ना, मैं भी देखूं आटे दाल का भाव। ये मैंने आपका उस दिन के आज हमें बस वीडियो वो यानी हम मीडिया में आ जाएं, आज ट्वीटें हमारे हक में हो जाएं, आज रीट्वीट हो जाए, ये कर लें वो कर लें, ये कर लेते हैं, लेकिन फॉलो अप कुछ नहीं है। और अब परवेज इलाही ने यह बयान दे दिया, तो परवेज इलाही अब आप समझे लाहौर शहर के मजाफात में परवेज इलाही के ऊपर गालम गलोच होने का वक्त हुआ चाहता है, आप लोग भी मकामी वक्त के हिसाब से उनको जी भर के गालियां देना शुरू कर देना, बाकी के पीटीआई वाले भी करेंगे, आप भी कर लेना। सर गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा ये गैर कानूनी था, ज़ाहिर है ये परवेज इलाही साहब कह रहे हैं, अभी तो ये अदम एतमाद के लिए बंदे पूरे कर रहे थे, तो फिर अब क्या हुआ? देखिए अब ये सब जुडिस मैटर है, क्योंकि ये अदालत में है तो इसके ऊपर मैं और आप ना ही बात करें तो अच्छा है, अदालत का फैसला आ जाएगा तो फैसले के ऊपर हम बात कर सकते हैं,
कार्रवाई के ऊपर हम बात कर नहीं सकते एक्चुअली, आई मीन उसकी इजाजत नहीं है, सो लेट्स वेट टिल दैट टाइम। सर, पाकिस्तान की सियासत में एक और शख्सियत का इजाफा होने जा रहा है, मरियम सफदर के जो बेटे हैं जुनेद सफदर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मरियम साहिबा से भी पहले पाकिस्तान आएंगे और अब वो सियासी सरगर्मियों में अपनी माँ का हाथ बटाएंगे, उनके साथ साथ होंगे। तो सर, मौरूसी सियासत की हमेशा बात की जाती है, तनकीद की जाती है, तो ये मौरूसी सियासत नहीं? मैं अल्फाज का चुनाव असल में सोच रहा हूँ माविश, मेरे पास अल्फाज कम है। मैं तो ये सिर्फ कहूँगा कि हम बहुत ही बदनसीब कौन है कि अगर लोगों की औलाद और फिर आगे उनकी औलाद जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने एक दिन की नौकरी नहीं की है, जिन्होंने कोई कारोबार नहीं किया, जिनके पास ज़िंदगी में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आएंगे हमारी फ्यूचर सुधारने, तो लानत है फिर हम सारे लोगों पर लानत है। मेरा तक कि अब तो 25 करोड़ आबादी हो गई है उस मुल्क की, 22 करोड़ नहीं रही है, गलत फहमी है लोगों को, 24 से 25 करोड़ मेरा ख्याल है कि आबादी हो गई है। 25 करोड़ में अगर हमें सब जुनेद सफदर मिलता है या हमें कोई और किसी का बच्चा मिलता है, अभी तो मरियम नवाज ने साबित करना है कि यार वो काबिल पॉलिटिशियन है कि नहीं है। देखें अभी वो तकरीरें करना, जलसे करना एक तरफ है, गवर्न तो नहीं किया ना उन्होंने, वो जब गवर्न करेंगी या किसी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में आएंगी तो हमको मसलन, अब बिलावल ने ये साबित किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर कि ही इज डूइंग अ गुड जॉब एंड ही कैन डिलीवर, मरियम ने तो अभी वो भी नहीं किया, तो अब कुजा पहले वो नहीं है तो फिर उनका बेटा, छोड़ दे मैं इस पर बहस ही नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि PMLN जो है वो मजीद तोड़ फोड़ का शिकार होगी, क्योंकि जुनेद सफदर ने इलेक्शन तो लड़ना है रहीम यार खान से आके, मेरा ख्याल है उस साइड से आके लड़ना, तो रहीम साउथ में से आके, तो साउथ में जो PMLN के और लोग होंगे स्टॉल बोर्ड जो 40-40 साल से बेचारे वहाँ पे इनकी खिदमतें कर रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो छोड़ के जाएंगे, फिर यही होगा और क्या होगा, फिर हम उस वक्त उसकी खबर दे रहे होंगे। चलिए देखते हैं सर फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।